क्या बोलूं यार, केरला जहाँ 100% लिटरेसी रेट है, वहाँ भी ऐसी ह्यूमैनिटी है, ऐसे लोग हैं। क्या बिगाड़ा था उस हाथी ने तुम्हारा, और उस हाथी के बच्चे ने, जिन्होंने तुम जैसे कमीनों का शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी, वो देखता तो उसके लिए सही नहीं रहता। केरला जहाँ पर काफी सारे मिनिस्टर्स सरकार को बोल रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि भाई तुमने एक्शन नहीं लिया, तुमने क्यों नहीं करा। भाई ये राहुल गांधी की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती नहीं है, ये तुम लोग की गलती है। अरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की स्टोरी पे डाल के तुमने क्या बता दिया कि तुमने एक स्टोरी डाली कि ह्यूमैनिटी खत्म, और तुम उसी के बाद आराम से घर पे बैठ के चिकन खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो। या शायद तुम लोग खुश हो गए कि आज रात में तुम्हारे घर में नॉनवेज बनेगा। या हाथी मर गया और लोगों को ट्विटर पे ये ट्रेंड करता हुआ देख के खुशी मिल रही है कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में क्या चल रहा है, आज किसकी हिंदुस्तानी भाव ने बेइज्जती मार दी, आज किसका क्या हो गया, आज किसकी शादी हो गई है। पूरे वर्ल्ड में जब इतने सारे जानवर तुम लोगों के वजह से, तुम लोगों की कॉस्मेटिक क्रीम्स की वजह से मारे जाते हैं, तब तुम कहाँ थे? इतने सारे लोग जब धर्म के नाम पर इतनी सारी मास किलिंग करते हैं, तब कहाँ थे? धर्म के नाम पे त्योहार बना दिया तुम लोगों ने, तुम इसको क्या कहते हो? ह्यूमैनिटी अब नहीं आती? ह्यूमैनिटी तब मरी नहीं? मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे सोच लेते हैं। कुछ चंद टिकटॉक के फॉलोअर्स के लिए काफी सारे लोगों ने कुत्तों को मार दिया। अरे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें भाइयों भी नहीं बोलूंगा, तुम जल्लाद हो। अगर मैं तुम जैसे लोगों के भाइयों को मार दूं और उसकी टिकटॉक वीडियो बना दूं, फिर क्या बोलोगे? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा अगर मैं तुम्हारी माँ बेटियों के जो प्रेग्नेंट है उनको मार दूं, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? अरे क्या बिगाड़ा था यार उसने? ये सवाल सिर्फ उस हाथी के लिए नहीं है, ये सवाल उन सारे जानवरों के लिए है जो तुम रोज मार रहे हो, रोज मार के खा रहे हो, और उसी की वीडियो डाल रहे हो कि आई एम हैविंग बटर चिकन टुनाइट, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट। ये पत्थर दिल लोग कहाँ हैं? किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम लोग जानवरों को खाओ, जानवर तो यार भगवान के प्रिय थे, तुम जैसे लोग भगवान के तो क्या अपने घर वालों के भी प्रिय नहीं हो। समझ नहीं आता यार मेरे को इस दुनिया में क्या चल रहा है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, बम से लोग जानवरों को मार रहे हैं, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे कर्म है, एक्चुअली ये तुम्हारी गलती है। खूब बैठ बैठ के खाया ना तुमने चिकन, ये वो क्या क्या, ये तुम्हारी गलती है। अगर मेरी बातों का तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मारने का मन कर रहा है, मारना मत मेरे को। बस एक चीज, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, भाई मुझे गलत प्रूव कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे, यार इंस्टाग्राम भी छोड़ो, मुझे इसी कमेंट में मुझे गलत प्रूव कर दो एक बार कि भाई राहुल अग्निहोत्री यानी मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं
बता रहा हूं, रुक जाओ, नहीं तो तुम खत्म। भाई तुमने उस मासूम बच्चे जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, वो अगर बाहर आता ना, तुम जैसे कमीनों का, तुम जैसे, मैं तुम्हें गालियां भी दूं ना तो पूरी नहीं होगी यार। गालियां तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम जैसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। बट क्या करे, इतने सारे जानवर मर जाते हैं। चले यार जानवर तो क्या, इतने सारे लोग जब लोगों का मर्डर कर देते हैं, जेल जाके भी क्या कर लेते हैं, पैसे के बल पे बाहर आ जाते हैं, अच्छा काम कर लिया तो बाहर आ जाते हैं, या फिर जेल से ही भग जाते हैं। ये दुनिया है भाई, ये कर्म है, तुमने गलत करा तो दुनिया तो तुम्हारे साथ गलत करेगी। कोरोना क्यों हुआ? कोरोना तो सिर्फ बहाना है यार, तुम जो ऐसे लोगों को मारना, सब मरोगे भाई। तुम क्या सोचते हो, तुमने एक कुत्ता मार लिया, तुमने एक हाथी मार लिया, तुमने कितने सारे मार दिए यार तुमने जानवर, या तुमने इतने सारे जानवर धर्म के नाम पे खा लिए तो तुम खुश हो गए? तुम्हारा भगवान खुश हो गया? भाई वो जो ऊपर बैठा है ना, वो तुम्हारी मरने की राह देख रहा है कि कब तू मरेगा और कब ऊपर तू सड़ेगा। मैं नहीं मानता स्वर्ग और नरक में, बट हाँ इसी वक्त, इसी टाइम में, इसी दुनिया में, इसी समय तुम रहते रहते मरोगे। और ये मैं कह रहा हूं कि भाई अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। ये तो पता नहीं क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे यार जरा देखो उन बेचारे लाचार जानवरों को जिनको तुमने मार दिया। अरे क्या बिगाड़ा था यार, वो तो तुम्हें गाली भी नहीं देते। क्या करा था उनने तुम्हारा? मेरा सवाल सिर्फ उस हाथी के लिए नहीं है, मैं सारे जानवरों को लेके बोल रहा हूं कि यार प्लीज प्लीज, अगर भाई तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, अगर तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो भाई मत रखो बम उनके खाने में। वो भूखे मर जाए मेरे को सही लगेगा, बट बम से मारोगे तो मेरे दिल में दर्द होगा। प्लीज रुक जाओ। अरे यार तुम खुश हो के क्या उखाड़ लोगे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ट्विटर पे ये ट्रेंड हो गया। ये तुम्हारी फेक मेंटेलिटी, ये फेक तुम्हारी नेस कुछ नहीं है। तो तुमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, जब तक तुम्हारा यहाँ ये, जब तक यार तुम क्या कर लोगे, तुम बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ के, बहुत बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पढ़ के, जब 100 गुना 100% लिटरेसी रेट करके जब लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो भाई मैं क्या सोचूं ऐसी जगहों पे जहाँ पर स्कूल और कॉलेज लोगों को नसीब नहीं होते। और मुझे समझ नहीं आता कि मिनिस्टर लोग ऐसी चीज़ों में भी राजनीति ढूंढ देते हैं। भाई साहब मतलब कोई मर गया, कोई किसी जानवर को बेरहमी से मार दिया तुम लोगों ने, और मैंने देखा जिस गांव में वो मरा है वहां के लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों नहीं लेते तुम? राजनीति करने के लिए तो सबसे पहले आ जाते हो यार, सुधर जाओ। हर चीज राजनीति से खेली नहीं जाती, हर चीज दिमाग से खेली नहीं जाती, हर चीज पैसे से नहीं खेली जाती, खेली जाती है तो सिर्फ भाई दिल से खेली जाती है। मैं दिल से बोल रहा हूँ कि प्लीज, तुम खाना नहीं खिला सकते, तुम देखभाल नहीं कर सकते, तो भाई मेरे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भाई के नाते तुमसे बोल दूँ कि भाई मत करो ऐसा। अगर तुम खाना नहीं खिला सकते तो बम देके उनको मारो भी मत, नहीं तो भाई तुम इतनी गंदी मौत मुझसे मरोगे। मैं खुशी मनाऊंगा उस दिन जब तू मरेगा, जिसने भी उस हाथी के बच्चे को और हाथी को मारा है, मैं खुशी मनाऊंगा जब भी तू मरेगा। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि भाई इसको जल्द से जल्द पकड़ो और इसको टांग दो, इसको मार दो, इसको फांसी दे दो, ताकि जितने भी लोग वो हाथियों के दांत, हाथियों
हाथियों की स्किन, सांपों की स्किन लेके बैठ के जो पैसे कमा रहे हैं उन पे कुछ तो दया आए, उनको कुछ तो दया आए कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, इससे हम मारे जाएंगे। यहाँ सबको चाहिए प्लेट में चिकन और जेब में रखना है सबको सांप, बट क्या करोगे मेरे भाई जब तुम बचोगे नहीं ऐसी जिंदगी जीने के लिए। अरे तुमने मार दिए भाई सारे जानवर, सारे पेड़ खत्म कर दिए, कैसे मिलेगी तुम्हें ऑक्सीजन मेरे भाई, ये तो कभी सोच। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, हर चीज दिमाग से नहीं खेली जाती, कुछ चीजें दिल से खेली जाती है। मैं नहीं चाहता भाई, मैं नहीं बोल रहा तुमसे कि मेरी इस वीडियो पे तुम इतने लाइक्स करो, इतने डिसलाइक्स करो, मैं बस एक आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो से पता चलना चाहिए भाई तुम पत्थर दिल लोगों को, तुम जो देख रहे हो, जो तुमने कहीं ना कहीं किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को मारा हो या लात से ही मारा हो, उन लोगों को पता चलना चाहिए भाई तुमने कितना गंदा गुनाह करा है, बहुत गलत करा है यार तुमने।